वैसे सर टैप किसे कर रहे हैं, कौन है? बड़ी हस्ती है, हमारा नाम शिव प्रकाश शुक्ला है। मंत्री जी प्रणाम, शुक्ला बोल रहे हैं। व्यवस्था कीजिए वरना कर देंगे फेमस। पूरा शहर इनके कब्जे में है। क्या आज के जमाने में दिलजले का सीक्वल बनना है एक अच्छा आइडिया? क्या डर ने जकड़ लिया है बॉलीवुड को? क्या अजय देवगन फिर से निभाना चाहेंगे एक टेररिस्ट का किरदार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट पंखुरी। आजकल जहां एक तरफ बॉलीवुड में मचा हुआ है देश प्रेम का ट्रेंड, हर कोई एक्टर इस ट्रेंड का इस्तेमाल करके अपने करियर को बचाने में लगा हुआ है। देश प्रेम और पेट्रियोटिज्म ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हर भारतीय थिएटर में आकर पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। अब आप सिद्धार्थ मल्होत्रा को ही देख लीजिए, बार बार देखो फिल्म में कैटरीना कैफ के साथ दिखे थे लेकिन इस फिल्म को कोई एक बार भी देखने नहीं गया। हाँ, एक काला चश्मा पहनकर हिट गाना जरूर दे दिया लेकिन बात नहीं बनी। फिर बात करते हैं उनकी फिल्म एक विलन की। फिल्म हुई तो सुपर हिट लेकिन श्रद्धा कपूर के स्टारडम के आगे सिद्धार्थ तो दिख ही नहीं पाए और लगता है तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां करते हुए ही इस फिल्म के सुपर हिट होने के बावजूद भी नहीं चमक पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, कुछ वैसे ही हुआ उनके साथ। शेरशाह फिल्म में पालमपुर का एक सीधा साधा लौंडा बनकर जीत लिया सबका दिल और बन गए देश भर की लड़कियों के रांझा। अब चलिए हम आते हैं सीधा पॉइंट पर। तो अजय देवगन आजकल बने हुए हैं एक देशभक्त। शेरशाह के आगे उनकी भुज तो चल नहीं पाई लेकिन वो भी सिंघम है, ऐसी थोड़ी हार मानेंगे। सुनने में आया है कि अजय देवगन अब करेंगे अपनी पुरानी सुपरहिट फिल्म दिलजले का रीमेक। लेकिन बात यह है कि आज के जमाने में क्या ये अच्छा आइडिया है? अब आप सोचेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं दिलजले फिल्म के बारे में। दिलजले 1996 की हैरी बवेजा की डायरेक्टेड एक्शन फिल्म है। फिल्म में अजय देवगन, सोनाली बिंद्रे और मधु लीड रोल्स में थे। अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और परमीत सेठी ने सपोर्टिंग रोल्स किए थे। फिल्म सुपरहिट रही थी लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म की कहानी थोड़ी अलग है। फिल्म में श्याम यानी कि अजय देवगन राधिका यानी कि सोनाली बिंद्रे से प्यार करता है लेकिन राधिका के पिता यानी कि शक्ति कपूर, जो कश्मीर के पहले राजा और अभी मंत्री हैं, वो इसे पसंद नहीं करते। इसीलिए वो श्याम के पिता और श्याम को अपने पावर से आतंकवादी होने का आरोप लगवा कर जेल में बंद करवा देते हैं। ज्यादा पिटाई और टॉर्चर से श्याम के पिता की मौत हो जाती है। श्याम इस जुल्म का बदला लेने के लिए आतंकवादी बन जाता है। वो दारा यानी कि अमरीश पुरी के साथ मिल जाता है जो कि एक आतंकवादी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज के जमाने में अजय देवगन एक टेररिस्ट का किरदार निभाएंगे? जहाँ आजकल छोटी छोटी बातों पर भी हंगामा हो जाता है, बॉलीवुड डर से जकड़ा हुआ है और किसी भी रिस्क को लेना नहीं चाहता, क्या एक टेररिस्ट के ऊपर फिल्म बनाना खतरे से खाली है? और अगर वो ये फिल्म बनाते हैं तो क्या आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं आपकी होस्ट आपसे लेती हूँ इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने।